कहानी घर घर की सीरियल में पार्वती का किरदार निभाकर फेमस हुई साक्षी तन्वर का नाम पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है। साक्षी एक बेटी की मां है, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साक्षी कभी भी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। एग्जाम में फेल होने पर वो एक्ट्रेस बनी। चलिए आज के इस पैकेज में आपको बताते हैं साक्षी से जुड़ी कुछ बातें और साथ ही उनके अब तक के कुंवारे रहने की वजह। साक्षी तन्वर को शुरुआत में एक्टिंग की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रिपोर्ट्स की माने तो वो पहले आईएएस बनना चाहती थी। साक्षी ने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, लेकिन नाकामयाब होने के बाद उन्होंने एक्टिंग का करियर चुना और इसमें कामयाब भी हुई। एक्टिंग से पहले साक्षी ने 5-स्टार होटल में भी काम किया, जहां उन्हें बतौर सैलरी 900 रुपए दिए जाते थे। साक्षी ने अपना करियर शुरू किया दूरदर्शन के एक सीरियल अलबेला सुरमेला से। फिर टीवी क्वीन एकता कपूर की नजर साक्षी पर पड़ी और उन्होंने अपने सीरियल कहानी घर घर की का हिस्सा बनाया। इस सीरियल में उन्होंने पार्वती का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं, मैं साक्षी राम कपूर के साथ दिखाई दी। इनकी जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। सीरियल में राम कपूर और साक्षी तन्वर के बीच फिल्माए गए लव मेकिंग सीन ने भी खूब चर्चाएं बटोरी थी, जो करीब 17 मिनट लंबा सीन था। साक्षी ने अब तक शादी नहीं की और ना ही उनका नाम किसी एक्टर के साथ जुड़ा। हालांकि उनकी शादी की एक अफवाह उड़ी थी कि उन्होंने बिजनेसमैन से शादी कर ली है। एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखना पसंद करती हैं। एक इंटरव्यू में साक्षी ने अपनी शादी को लेकर बात करते हुए कहा था कि मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं जिससे मैं शादी करना चाहूं। आम तौर पर लोग प्यार को तलाशते हैं, हालांकि मेरे मामले प्यार को मुझे खुद ढूंढने आना पड़ेगा। साक्षी एक बेटी की माँ भी हैं। उन्होंने 2018 में बेटी को गोद लिया था। साक्षी सिंगल मदर बनकर उनकी देखभाल कर रही हैं। सिर्फ सीरियल्स ही नहीं, साक्षी कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।